हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपना एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7th 8th तक मैंने बोला था आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 था, वो एक अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ये, और इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी है भाई ना, और डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये हमको गिवन है। तो बेटा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो समझना बस। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके भाई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लिख लो भाई, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात समझना, इसको आप एक्स स्क्वायर को कुछ अज्यूम कर लो, मान लो मैंने पी अज्यूम कर लिया इसको, ठीक है, पी मान लो, क्यू मान लो, एक्स मान लो, जो और कुछ टी वगैरह मान लो ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को पी अज्यूम करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी, तो थोड़ा सा तुमको ये करने में आसानी हो जाएगी, नहीं यहाँ करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तुमको, ठीक है। तो लिखा पी अपॉन पी प्लस ए स्क्वायर और लिखा पी प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना, और ये ए अपॉन पी प्लस ए स्क्वायर और कैपिटल बी अपॉन पी प्लस बी स्क्वायर। यानी जहाँ जहाँ भी एक्स स्क्वायर था उसको मैंने पी से रिप्लेस कर लिया भाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी इक्वल टू क्या बनेगा, ए इंटू पी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बी इंटू पी प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं पी की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया, यहाँ आएगा ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी इंटू, ये बनेगा जीरो पूरा ना, तो बी इंटू बनेगा जीरो, ओके। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर अपॉन, अगर इसमें नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसे पी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ कितनी, माइनस का बी स्क्वायर। तो अब की बार बनेगा ये माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जीरो बन गया, और ये बी इंटू बनेगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर से यहाँ से बी की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी बी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भाई, ये वैल्यू बन जाएगी, कोफिशियंट ऐसे बन जाएंगे। अब आपके दिमाग में जरूर आएगा, सर आपने पी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर कैसे पुट कर ली, हमने सिर्फ को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़े ना करना है अभी। तो ये बात देखो, नोट करो इसको एक बार, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो ए की जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो वापस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ नेगेटिव कर लो, चलो अगर ऐसा भी आ रहा है ना ये, तो इसको नेगेटिव ही रख लो यहाँ पर माइनस में, है ना, तो ये माइनस में बन जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको रख लो माइनस में ही। अब देखो अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर, तो जब एलसीएम वगैरह लोगे सोल्व करोगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन था ऐसा, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऐसे हमारे पास। और इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए और वन बाई ए ओ भी और आएगा शायद, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में, ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो तो बाहर आ जाएगा, और ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और वन बाई बी और बाहर है यहाँ पर, तो एक बी भी कट जाएगा, तो फाइनली प्लस में आंसर आ जाएगा ये वन ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स बाई बी, ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर बन जाएंगे ऐसे, क्लियर। तो इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो फिर एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे ना तो वहाँ भी दिक्कत करेगा तुमको, ओके।
तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था भाई, इसको कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको आगे वाले बता देता हूँ। 10, 9, 15 तक आप लोग, अच्छा 15 नंबर देखो भाई एक बार पहले ना, 15 जरूरी है थोड़ा सा। में लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3 अपॉन इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, अपॉन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 dx। इसके फैक्टर तो हो जाएंगे लेकिन देखो अभी ऊपर हाईएस्ट पावर नहीं है, 2 है, नीचे 2 है। अगर ये पावर्स इक्वल होती हैं तो पहले आप इसका डिवाइड करो इसके अंदर, हमेशा ऊपर अगर नीचे क्वालिटी का तो ऊपर लीनियर ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो पहले से डिवाइड करो, तो हमें डिवाइड करना है किस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। तो बेटा किस से मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस, तो ये बनेगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये तो रिमाइंडर है, ये क्यूसेंट है और ये क्या डिवीजर है, यानी इसको आप लिख सकते हो ऐसे, है ना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है भाई। ये तो आपका क्यूसेंट हो गया, इतना कम डिवाइड हुआ, प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिविजन। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, जैसे अपॉन में 1 एलसीएम लेके सोल्व दो, वापस ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हाँ है ना, ठीक है भाई। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा, ये 1 का तो dx हो जाएगा, है ना, इसका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, ओके। अब इसका कैसे करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आप, तो ये तो बन गया x और ये मान लो i1 है ना, ठीक है भाई। इसका मैं आपको अलग से इंटीग्रेशन बता देता हूँ, अगर पावर इक्वल है तो पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है वो प्लस में रिमाइंडर अपॉन में क्वेश्चन। तो ये वाला जो पार्ट है उसका तो इंटीग्रेशन आप आराम से हो जाएगा, मान लो यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्स क्यूब अगर होता तो x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आता है x, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाता, ओके। अब इसका देखो कैसे करेंगे, ये नोट कर लो पहले एक बार, वीडियो को रोक के। हाँ तो ये इंटीग्रेशन में क्या था, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसको आप आई वन वगैरह कुछ मान सकते हो ऐसे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, अब इसके फैक्टर बना लो भाई, क्या बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 1 आई थिंक, है ना। तो इसको मानेंगे a अपॉन x प्लस 2 और b अपॉन x प्लस 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a इंटू में x प्लस 1 और b इंटू में x प्लस 2, ओके। एक बार मैंने x की वैल्यू माइनस 1 पुट करी तो एक माइनस का 1 ही आ गया इधर, तो ठीक है, ये 0 बन गया, a इंटू में 0 प्लस बी इंटू में 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, ओके। ऐसे बार x की वैल्यू माइनस 2 पुट करी बेटा, सॉरी माइनस 2, हाँ ठीक है, तो माइनस का ये बनेगा 3, इधर बनेगा a इंटू माइनस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 3 आ जाएगी, ओके। ये बात क्लियर हो गई, चलो अब इसको रखते हैं वापस वैल्यू यहाँ पर, कोफिशियंट्स की वैल्यू इसके आगे रखेंगे यहाँ पर ना, यानी ऐसे रखोगे 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू 3 अपॉन x प्लस 2 और b की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन तो x प्लस 1, ठीक है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं उसकी जगह पे, भाई ये पार्ट इसके इक्वल ही तो था, हाँ है ना। इस पूरे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं ऐसा कुछ, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट कर लेंगे अलग, ओके। इतना समझ में आया कि नहीं भाई, है ना, चलो आगे देखो, इसका आगे आप कर लेंगे भाई, ये लोग
थ्री लॉग एक्स प्लस टू है और ये माइनस लॉग एक्स प्लस वन है। ओके, आई होप आपको कितना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर एक आ पाओ, कौन से में, सेवन्थ में आ जाओ। चलो एक बार है ना, सेवन्थ नंबर देखो एक बार। चलो सेवन्थ और आपका जो 18 और 19 थोड़े से मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यहाँ पहले ट्यूशन करना पड़ेगा फिर करेंगे। सो सेवन्थ नहीं है, सॉरी 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, लिखा हुआ इंटीग्रेशन वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन और अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, चलिए देखो। एक तो मैं इसमें कह सकता हूँ भाई, ये वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन है ना, इसको लिखा मैंने, ये वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ध्यान से लिखिए इसको, वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर वन माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख दिया इसको, ठीक है, अपॉन लिख दिया ऐसे, और डी एक्स एलसीएम लोगे तो ये फाइनली बनेगा ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वन और ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, और ई की पावर एक्स को जब आप टी अज्यूम करेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर तो बन जाएगा डी टी, और ये बन जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर डी, तो डी टी बन जाएगा, और ये बनेगा टी प्लस वन और टी माइनस वन। ठीक है, फाइनली आप कह सकते हो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, और इसका फॉर्म लिखवाया आपने वन बाई टू लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, हाँ है ना, इसका फॉर्मूला आपने लिख रखा बेटा ना, तो उसको आप देख लेंगे। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर फिर से आप ए की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसको, ए की पावर एक्स लिख दिया मैंने, और ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है डी एक्स, तो इसको डी टी मान दो, ये बन जाएगा डी टी अपॉन में टी इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब तीन फैक्टर हो गए, ए अपॉन टी, बी अपॉन टी माइनस वन और सी अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर, वैसे बना लेंगे इसको। ठीक है, चलिए नहीं बाकी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।